आइए अब हम लोग आज से शुरुआत करते हैं SSA का, जो हम लोगों का कम्बाइंड 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम लोग LDC भी कहते हैं, उसके टेस्ट सीरीज का जो वॉल्यूम वन हम लोगों का है टीयर वन के लिए। तो इसमें हम लोग आज शुरुआत करेंगे, फर्स्ट क्लास हम लोगों का सेट वन का होगा, या डिस्कशन क्लास हम आपके साथ सेट यह डिस्कशन क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आप लोग सेट का शुरुआत कर रहे हैं। तो एक दो चीज़ केवल केयर रखने वाला है कि जो भी क्वेश्चन को जिस तरीके से बताएंगे प्रयास करना है उसको सीखने का, और आगे के सेट पर उसी तरीके से काम करने का ज़रूरत आपको है। और एग्जामिनेशन के पहले तक में हम लोगों का ये सेट का जो डिस्कशन होगा वो निश्चित रूप से हम लोग समाप्त कर लेंगे। आप लोग इस पे काम करते रहेंगे, सीखने का प्रयास करते रहेंगे और निश्चित रूप से इस बुक के समाप्त होते होते मैथ की तैयारी आपकी उतनी बेहतर हो जाएगी कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर लेंगे। आइए सेट का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन क्लास में मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मुकेश सर के नाम से हम जाने जाते हैं। तो मुकेश सर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है जो भी टेस्ट सीरीज के डिस्कशन क्लास में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सेट में जो भी काम होगा हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, क्वेश्चन के मुताबिक उसका सॉल्यूशन करने का तरीका सीखते चलेंगे। और आज हम लोग प्रारंभ करते हैं पहला सेट से, और पहला सेट का जो हम लोगों का मैथ सेक्शन का है, मैं आपको मैथ का डिस्कशन दूंगा। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है वो है 51 नंबर का मैथ सेक्शन में, जहाँ देखिए कहा जा रहा है कि एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है और चूने से उसके भरने में 2.1/3 घंटे लगते हैं। तो यहाँ बस इसी चीज़ का ध्यान देना है कि एक भरता है 2 घंटा में और ये देखिए इसके कारण इतना घंटा ज़्यादा लगता है। ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए आपको केवल एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे कौन सा फार्मूला, xy/y - x का यूज़ कर लेना है। तब यहाँ से x का वैल्यू देखें तो 2 हो गया, y का वैल्यू 2.1/3 कहिए या इसी को 7/3 कह लीजिए, बट y - x तो इसका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेंगे 2 2 कटेगा, देखिए 1/3 होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर देखिए हम लोगों का आ गया कितना 14, तो आंसर लिखेंगे 14 आवर्स, जो आपके विकल्प डी में मौजूद है। इसके बाद अब अगर आगे बढ़े हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन में, तो कहता है देखिए 17,000 और फिर दिया हुआ 1,75,616 का घनमूल दिया हुआ है 56। उसके बाद फिर हम लोगों को जो क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है वो दे रहा है क्यूबिक रूट 175.616, फिर देखिए प्लस दे दिया है और फिर लिखा गया है क्यूबिक रूट 0.175616, फिर प्लस कर दिया है और क्यूबिक रूट दे दिया है, और उसके बाद देखिए हम लोगों को दे रहा है 0.00017561 6। डाटा अगर गौर से देखें तो सब में एक ही डाटा दिया हुआ है, जिसका घनमूल आपको क्वेश्चन में ऊपर दिया जा चुका है 56। तो ये तय बात है कि यहाँ भी 56 है, यहाँ भी 56 है, यहाँ भी 56 है। अगर घनमूल है तो केवल डेसिमल का काम सीखना है, तो डेसिमल के लिए देखना है यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक तो घनमूल में होगा 1 अंक, यानी इसका अगर घनमूल लिखेंगे तो हम लोग 5.6 लिखेंगे, यहाँ देखिए 6 अंक है तो यहाँ 2 अंक आ जाएगा तो 0.56 लिखेंगे, यहाँ 9 अंक है तो इसमें 3 अंक आएगा तो 0.056 लिख लेंगे। अब तो केवल ऐड करना है, सबको ऐड करेंगे 6 5 और 6 देखिए 11 हो जाएगा, रेस्ट 1 बचेगा, फिर यहाँ से जोड़ेंगे 11 और 1 12, रेस्ट 1 बचेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, आंसर हम लोगों का आ गया 6.216, जो कि आपके विकल्प सी में है, तो 52 का आंसर लिखेंगे सी। 53 नंबर क्वेश्चन में चलें, कहता है एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ गए। ऐसे क्वेश्चन में केवल ये देखना है कितना दिन का भोजन सामग्री है, उससे मतलब नहीं रखना है, जितना दिन का बचा हुआ है उससे रखना है। 50 दिन का था लेकिन 10 दिन के बाद बदल रहा है व्यक्ति की संख्या, यानी ये जो 500 सैनिक है इसके लिए केवल भोजन बचा था कितने दिनों का, 40 दिनों का। 50 दिन का था, 10 दिन के बाद घटना घटा तो हटा दिए 10 को, तो बचा 40 दिन। कहता है शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त हो तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे निकालना है, तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे ये निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या लिख लिया हम लोग M1 में X, 500 व्यक्ति और आ गए। तो पहले अगर X था
तो 500 और आ जाएगा, तो क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस 500, और ये भोजन मात्र 35 दिन। तो हमारा फॉर्मूला तो एक ही है, M1D1 बराबर M2D2, यहाँ से कैंसिल इसको कर लें, 5 से कैंसिल, ये 8 बार में और ये 7 बार में, तो 8x बराबर देखिए आएगा 7x प्लस 3500, और यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो देखिए 3500 आ गया। यही हो गया प्रारंभ में व्यक्ति की संख्या, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिए 54 नंबर का है। 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योग 150 है, यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों के कुल संख्या का x परसेंट। तो छात्रों की संख्या हम लोगों को निकालना है, छात्रों की संख्या यानी x का मान पूछा गया है। तो ये बताएं छात्रों की संख्या अगर x दे दिया और विद्यार्थी 150 है, तो लड़कियों की संख्या छात्राओं की संख्या लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 150 माइनस एक्स। फिर देखिए कहता है यदि छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x परसेंट, यही छात्रा था और इसके बारे में कहा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी 150 और इसका कितना परसेंट कह रहा है, x परसेंट, विद्यार्थियों की कुल संख्या का x परसेंट कहा गया है। तो विद्यार्थी था टोटल हमारे पास कितना, 150 का x परसेंट निकाल लिए। अब तो ये कैलकुलेशन करने का केवल ज़रूरत है, परसेंट से इसको काटें या ये x परसेंट जो है इसको आप बटे में 100 कर सकते थे, 50 से ये 3 बार में, ये 2 बार में, 2 से यहाँ गुना कर लेंगे तो 300 माइनस 2x बराबर देखिए 3x हो जाएगा, तो 5x बराबर देखिए 300 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर यहाँ से निकाला जाए तो यहाँ हम लोग देखिए कैंसिल करेंगे और ये आ जाएगा 60, तो x का मान निकल गया 60। यही आपको निकालना था, छात्रों की संख्या यानी x का मान। तो ये आंसर हो गया हम लोगों का 60, और ये आपके विकल्प डी में है, तो आंसर हम लोग लिख लिए डी। 54 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 55 नंबर क्वेश्चन में, तो ये देखिए कहता है नए बजट में मिट्टी के तेल के मूल्य में 25% वृद्धि, खपत कितना परसेंट कम, जब भी व्यय न बदले एक को बढ़ाते हैं। तो बस ये ध्यान देना है, 25 लिख लेंगे ऊपर, अगर वृद्धि कहा गया है तो 100 में जोड़ के नीचे, अगर कमी कहता तो 100 में घटा के नीचे, और परसेंट के लिए सिंपली 100 से गुणा कर लेना है। ये 5 बार में कैंसिल, ये 20 बार में कैंसिल, आंसर इसका लिखा जाए देखिए कितना आ जाएगा, 20%। और ये आपके किस विकल्प में, ए में है, तो 55 नंबर का आंसर हो गया हम लोगों का ए। 55 के बाद अगर अब बढ़ा जाए तो 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलें। 56 देखिए कहता है एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है, 1 रुपये में 5 की दर से वो खरीद रहा है, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि और उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक वस्तु खरीद के काम कर सकते हैं, 2 वस्तु का क्रय मूल्य निकाल के काम कर सकते हैं, x वस्तु का क्रय मूल्य निकाल के काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होगा कि पहले लिख लीजिए वस्तु, बाद में लिख लीजिए रुपया, क्रय मूल्य वाला ऊपर, विक्रय मूल्य वाला नीचे। आ जाए 1 रुपया में 5 यानी 5 वस्तु का कीमत 1 रुपया, 3 वस्तु का कीमत 1 रुपया, ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस का था रेट, नीचे वाला सेल प्राइस का, ऊपर में कॉस्ट लिखना है नीचे सेल लिखना है। अब केवल ये ध्यान दे देना, क्रॉस में जाएंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 5 गुना 1 देखिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस कर लें, 3 गुना 1 कितना लिखेंगे, 3, याद रखिएगा कि जिसको घटाएंगे उसी को नीचे लिख देंगे, गुना में 100 कर देंगे। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो लाभ लिख देना है, निगेटिव आएगा तो हानि लिख देना है, तो ये घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 को 100 से गुना करेंगे 200/3 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर लिखेंगे 200/3% का लाभ। किसी को फ्रैक्शन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 66.2/3% का लाभ, जो कि आपके किस विकल्प में है, ए में। तो ये 56 का आंसर हो गया ए। आ जाए 57 नंबर क्वेश्चन में चलें। 13 का वह सबसे छोटा गुणा जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 4 से 5 से 6 से 7 से और 8 से भाग दें तो रिमाइंडर बचना चाहिए आपको 2। तो चाहे पहले 4, 5, 6, 7, 8 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, पूरा विभक्त होने वाला संख्या, तो इसके लिए एलसीएम अगर निकालते हैं तो 8 गुना 5 कर लेंगे 40, 40 को पहले 3 से गुना कर लेंगे यहाँ तो आ जाएगा कितना, 120, अब गुना 7 कर लेंगे तो एलसीएम अगर लिखेंगे तो 120 गुना 7 करेंगे, आंसर देखिए आएगा कितना, 840। तो संख्या जो हम लोग मानेंगे,
संख्या लिख लेंगे 840 के और प्लस में कर लिया जाएगा दो। अगर इनसे इन सभी संख्याओं से भाग देने पर रिमाइंडर दो बचता है, संख्या या तो उसके एलसीएम से दो अधिक होगा या तो उस एलसीएम के मल्टीपल से दो अधिक होगा। अब यहाँ सवाल है कि इस नंबर को कैंसिल भी होना चाहिए कितना से, 13 से, और 13 से कैंसिल होने के लिए पहले यहाँ के का वैल्यू पुट करेंगे, और के का वैल्यू जल्दी निकालने के लिए पहला काम इसमें 13 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेना है। 13 से इसमें भाग लगाएं तो 63 78 78 हो जाएगा। 84 में अगर 78 को आप घटाते हैं तो आपको 6 बचेगा, 6 पे 0 60 हो जाएगा, और 60 में 13 से भाग 4 बार में लगाएंगे 52, बच जाएगा कितना 8। तो आप साइड में लिख लेंगे 8k+2। यहाँ से के का मान निकालना ज़्यादा आसान होगा। के का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 8 2 10 जो कि 13 से कैंसिल नहीं है, 2 अगर रखते हैं तो 16 और 2 करेंगे तो भी नहीं कटेगा 13 से, 3 रखेंगे तो 8 × 3 = 24 और 2 = 26। देखिए 13 से पूरा पूरा कट जाएगा और 26 से ये पूरा पूरा कट गया, यानी के का मिनिमम वैल्यू जो हुआ, के का और भी वैल्यू हो सकता है लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या चाहिए तो मिनिमम लेंगे, तो लिखना तो यही है। तो 840 × 3 लिख लेंगे, प्लस में देखिए 2 कर लेंगे, इसको गुना अगर करते हैं तो 4 × 3 = 12 यानी 2520 आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो आंसर हम लोगों का देखिए आ गया 2522, जो कि आपके किस विकल्प में है, सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को लिखना है सी। अरे इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 58 नंबर का है। 58 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कहता है दो भाइयों की वर्तमान आयु का रेशियो 1:2, 5 वर्ष पहले यह रेशियो था 1:3 का। तो 1:2 का रेशियो है और पहले था देखिए कितने का, 1:3 का। अब आ जाएं तो इसके लिए हम लोगों को देखना है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का रेशियो क्या होगा, ये निकालना है। तो वर्तमान एज अगर निकालें तो दोनों रेशियो में देखिए टाइम डिफरेंस कितने का है, 5 का, तो 5 लिख लिए। अगर इसका उम्र निकालना है तो इसके लिए 1 से गुणा करेंगे और इस व्यक्ति के लिए 2 से गुणा कर लेंगे। इसके लिए अब एक चीज़ डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, ये जो नीचे वाला रेशियो है इसका डिफरेंस ऑलवेज आपको ले लेना है। तो ये जो डिफरेंस हम लोग लेंगे तो डिफरेंस देखिए कितने का है, 2 का, तो यहाँ 2 से गुणा कर लें। अब आ जाइए नीचे, नीचे के लिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट को देखना है और उसका अंतर लेना है। यहाँ देखिए 3 होगा, यहाँ 2 होगा यानी 1 हो गया, यहाँ भी देखिए 1 हो गया, दोनों का एक ही तरीके से काम, केवल इसके लिए 1 से गुना, इसके लिए 2 से गुना, इतना ही काम था। तो यही वर्तमान एज आ गया, यानी ये है वर्तमान में 10 साल का और ये अगर देखा जाए तो वर्तमान में है 20 साल का। अब ये हमको चाहिए नहीं था, हमको चाहिए 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का रेशियो क्या होगा, रेशियो चाहिए था। ये बताएं ये अगर अभी 10 साल का है तो 5 साल बाद अगर देखेंगे इसका उम्र 10 + 5 = 15 वर्ष हो जाएगा, इसका उम्र 20 + 5 = 25 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो देखिए आएगा कितना, 3:5, तो आंसर लिखेंगे 3:5, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। 58 के बाद अब आगे बढ़ें 59 नंबर क्वेश्चन में। तो ये देखिए कहता है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करता है, 204 मीटर लंबे इसी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करता है। जिस समय आदमी को गाड़ी पार करता है उस समय अपना भी लंबाई पार करता है, और जिस समय प्लेटफॉर्म को पार करता है तो अपना प्लस प्लेटफॉर्म पार करता है। तो अपना लंबाई पार करने में वो 8 सेकंड लेता है, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड ले रहा है, तो बाद में जो भी टाइम ज़्यादा लगा वो केवल किसके कारण, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म को पार किया और प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना था, 204। तो अगर आप रेलगाड़ी की चाल निकालना चाहें तो प्लेटफॉर्म था 204 और इसको पार करने में देखिए दे रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड, लेकिन उस 20 सेकंड में 8 सेकंड तो वो अपना लंबाई पार किया, तो वो ओरिजिनल में टाइम लिया कितना, 12 सेकंड। तो यही हो गया रेलगाड़ी की चाल। तो चाल पूछता तो मीटर पर सेकंड में आंसर हम लोग लिख लेते हैं इसका। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर लें, पहले देखिए ये एक बार में काटेंगे, फिर 8 और 4 हो जाएगा हम लोगों को 84, 12 और गुना 7 करते हैं तो 84 हो जाता है। तो अगर हमको स्पीड पूछा जाता है तो आंसर लिख लेते हैं 17 मीटर पर सेकंड।
लेकिन हमको पूछा गया है गाड़ी की लंबाई, तो ये पता है कि जिस समय गाड़ी पार करता है व्यक्ति को, बिजली के खंभा को, अपना ही लंबाई पार करता है, उस समय 8 सेकंड लिया है, तो ये देखिए है 17 उसका 4, पार करने में टाइम लिया है 8, तो 17 गुना 8 कर लेंगे तो ये देखिए आंसर हो गया कितना, 136 मीटर। आंसर लिखेंगे 136 मीटर, जो कि आपके विकल्प बी में मौजूद है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बी। 59 के बाद अब हम लोग बढ़े 60 नंबर क्वेश्चन में। कहता है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक और चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम। तो अगर हम वर्ग का भुजा ए ले लें तो बताइए इसका जो आयत का हम लंबाई ले लेंगे तो 5 सेंटीमीटर अधिक, यानी यहाँ लिखना होगा ए प्लस 5 और चौड़ाई जो है भुजा से 3 कम है, तो यहाँ लिखना होगा हम लोगों को ए माइनस 3। हमको निकालना है पेरीमीटर, यानी ए का मान पहले हम लोग निकालें। तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में कहा था इक्वल, तो वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और इसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ से इसको सॉल्व अगर किया जाए तो ये देखिए आएगा ए स्क्वायर 5a माइनस 3a करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2a, और माइनस में देखिए 5 गुना 3 15, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 2a बराबर कर लेंगे 15, तो a का मान यहाँ से निकल गया आपको 15/2। अब आ जाइए हमको चाहिए था आयत का परिमाप, पेरीमीटर हो जाता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई अगर देखें तो a प्लस 5 था, चौड़ाई अगर देखा जाए तो a माइनस 3 था। यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए तो 2 × a प्लस a, देखिए 2a कर लेंगे, और फिर प्लस में अगर यहाँ देखा जाए तो 5 - 3 यानी कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से a का वैल्यू अगर आप रखते हैं इसको चाहें तो ये हो गया, देखिए 2 को कॉमन भी ले सकते हैं 4, और तब हो जाएगा a प्लस 1। अब मान रख लें a का मान आप निकाले हुए थे 15/2, और इसमें आपको जोड़ लेना है 1, तो 15/2 में अगर 1 आप जोड़ लेंगे तो 17/2 हो जाएगा, और 2 से फिर उसको कैंसिल आप कर लेंगे दो बार में, तो 4 और गुना देखिए 17/2 है, तो ये कैंसिल हो गया। आंसर हम लोगों का देखिए आ गया कितना 34, तो आंसर हम लोग लिखेंगे 34 सेंटीमीटर, जो कि 34 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन डी में है, तो आंसर हम लोगों का हो गया डी। आ जाए, कहता है एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का एरिया 81, तो वर्ग का एरिया अगर ए स्क्वायर है और वो एरिया 81 है तो ए स्क्वायर बराबर 81 अगर होगा तो ए का मान बताएं कितना ले लेंगे 9। बाद में फिर देखिए कहा गया है जब उस तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का एरिया क्या होगा, तो एक शेप को काट के दूसरे शेप में मोड़ते हैं तो पेरीमीटर ऑलवेज इक्वल होता है, तो मेन हम लोगों को यहाँ पेरीमीटर चाहिए, तो इसका परिमाप अगर देखें तो 9 और गुना में क्या हो जाएगा 4, और यही पेरीमीटर सेमी सर्किल का होगा, और सेमी सर्किल का पेरीमीटर देखिए क्या हो जाता है 2πr का आधा करेंगे तो πr, और प्लस में 2r करेंगे πr प्लस 2r, आइए हो गया 9 × 4, r को कॉमन ले लेंगे 22/7 में 2 को जोड़ लेंगे, यहाँ 9 × 4 हो जाएगा, यहाँ से r और इंटू करें 14 और 32 जोड़ेंगे 36/7 होगा, और यहाँ भी देखिए 36 है 36 36 कैंसिल हो जाएगा, r का वैल्यू आ गया कितना 7। लेकिन आपको चाहिए था सेमी सर्किल का एरिया, एरिया जो सेमी सर्किल का होता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ आप लिखेंगे 22/7 पाई के लिए, आर के लिए 7 × 7 बटे में 2 कर लेंगे, ये 11 बार में कैंसिल, आंसर आएगा 77 जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। इसके बाद अब हम लोग अगर बढ़ते हैं 61 नंबर के बाद, ये जो क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का 61 था, अब 61 के बाद अगर हम लोग चलें तो अब बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर 25% लाभ, तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, यानी लागत मूल्य हम लोगों को निकालना है, अंकित मूल्य दे और लागत मूल्य जब भी पूछे तो इसके लिए केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो अंकित मूल्य दिया उसको तो लिख ही लेंगे,
अंकित मूल्य दिया था 200, तो 200 लिख दिए। उसके बाद देखना है कि लागत मूल्य जब भी चाहिए तो छूट रखना है ऊपर और लाभ लिखना है नीचे। छूट लिखना है ऊपर और लाभ लिखना है नीचे। छूट है तो 100 में घटा के, लाभ है तो 100 में जोड़ के। तो 12.5% छूट अगर देंगे तो 12.5 का मतलब देखिए कितना बचेगा, 87.5। और आप लाभ ले रहे थे 25%, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 125। कैंसिल अगर किया जाए, 25 से देखिए ये 8 बार में, 25 से ये देखिए 5 बार में, 5 से कैंसिल करेंगे, पहले यहाँ 1 होगा, फिर 7 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। गुना अगर करें 8 बचे 40, पॉइंट भी गायब, 0 भी गायब हो जाएगा, 4 बचेगा। 56 में 4 को जोड़ेंगे 40, रेस्ट फिर 4 बच जाएगा। 8 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोगों का 8 और 4 देखिए 12 आ जाएगा। तो आंसर जो निकलेगा वो निकल जाएगा 120। और 120 जो है वो आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम लोगों को लिख लेना है सी। एक बार और इसको चेक कर ले, ये देखिए 12.5 छोड़ा था, तो 12.5% अगर छोड़ रहा है तो वैल्यू हम लोग लिखे ऊपर में बचेगा हमको कितना, 87.5। इसी में 12.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 100। आइए 25% का देखिए, लाभ दे रहा था क्वेश्चन में, चूंकि 25% का लाभ था इसलिए हम लोग दिए कितना नीचे, 125। 25 से ये कैंसिल हुआ 8 बार में, 25 से ये कैंसिल 5 बार में, 5 से इसको कैंसिल कर लिए तो 17.5, 8 पच्चे 40, ये 0 हुआ, बच गया देखिए कितना 4, 8 सत्ते 56 और 4 को जोड़ लिए तो हो गया 60, 6 बचा हुआ है, तो यहाँ आपको 6 जोड़ लेना है, तो 8 और 6 जोड़ेंगे 14 होगा, तो आंसर आएगा कितना, 140। आ जाए ध्यान से देखें, 14 जो है, 140 आपके किस ऑप्शन में है, डी में, तो 62 का आंसर आप लिखेंगे डी। 62 के बाद अब चलें 63 नंबर क्वेश्चन में। 63 में देखिए कहता है 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें 21 और 23 का 2 आदमी गया, 2 नया आया। तो 21 और 23 का अगर व्यक्ति जा रहा है तो इसको पहले सम कर ले तो बताएं जा रहा है टोटल कितना का, 44 का। तो नए व्यक्ति के आने वाले का योगफल डायरेक्ट अगर निकाल लें तो जाने वाला है 44। अब देखना है एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है। एवरेज कहता है 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो 2 वर्ष बढ़ जाता है तो कर लेना है प्लस, कम हो जाता तो कर लेते हैं माइनस। आदमी का संख्या था 8 और वृद्धि हुआ कितने का, 2 का, तो 8 गुना 2 करेंगे 16 हो जाएगा। 16 और 44 को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये 60 हो जाएगा। यानी आने वाला जो दोनों व्यक्ति है वो मिला के है कितने वर्ष का, 60 वर्ष का। लेकिन ध्यान दें आपको पूछा गया है औसत आयु, तो 2 आदमी जो आया है अगर उसका योगफल आपको 60 दिया हुआ है तो औसत के लिए 60/2 कर लेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का हो जाएगा कितना, 30। आ जाए 63 के बाद 64 नंबर में चले हम लोग। 64 देखिए कहता है 10θ + cot θ = 2। तो 10θ + cot θ में देखिए हम लोगों को 2 दिया हुआ है और पूछा जा रहा है आपसे कि बताए 10^14θ, 10 और पावर में देखिए 14θ प्लस कॉट पावर में 14θ, इसका वैल्यू देखिए पूछा जा रहा है। एक चीज़ केवल ये ध्यान रखना है, 10 और कॉट का वैल्यू प्लस में अगर 2 है तो पावर में कुछ भी रहेगा ऑलवेज ही उसका आंसर 2 लेना है। यह 10 भी 1 होगा, कॉट भी 1 हो जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 के पावर में कुछ भी रहने पर क्या रखना है, 2 रखना है। क्यों आएगा 1, इसको हम लोग देख भले लेते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन डायरेक्ट अब ये ध्यान दें कि इसका आंसर क्या निकलने वाला है, 2। यहाँ 114 रहता तो भी 2, 141 रहता तो भी 2, दोनों जगह अगर सेम है या अलग अलग रहेगा तो भी वही रिजल्ट आएगा। कारण अगर यहाँ से देखें हम लोग तो ये 10θ और कॉट को लिख लेते आप 1/10θ = 2, और तब देखिए इसको लिखते हम लोग 10²θ + 1/2tan θ, और तब यहाँ से लिख सकते हैं देखिए 10²θ - 2tan θ + 1 = 0, और तब इसके लिए लिखा आएगा देखिए 10θ - 1² = 0। तो 10θ का अगर यहाँ से वैल्यू देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 1, और 10θ अगर 1 आ गया तो बताएं cot बराबर होता है 1/10, तो वो भी क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ जाके मान पुट कर लेंगे तो 1^14 भी देखिए 1 होता है, यहाँ भी देखिए 1 हो जाएगा, तो 1+1 करेंगे और आंसर देखिए हम लोगों को आएगा 2,
और ये आपके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। वैसे आपको बताया कि डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 10 प्लस क्वाट अगर 2 दे दिया तो ऑलवेज है उसका आंसर 2 लिखना है, चाहे पावर में कुछ भी दे दे, तो आंसर ऑलवेज 2 लिखना है। ऐसे क्वेश्चन को इस रूप से बनाने का आवश्यकता नहीं। आ जाए उसके बाद देखिए, कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक देखिए 30 मीटर का भवन है, 1.5 मीटर का लड़का है। यहाँ देखिए ये 1.5 हो गया, ये आपका 30 हो गया। फिर देखिए वो कहता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। आ जाए ये लड़का था मान लीजिए पहले यहाँ, तो इस रूप जो ये एंगल बना रहा था ये बन रहा था कितने का 30 डिग्री। लड़का मान लीजिए चल के यहाँ आ गया और तब जो ये एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का 60 डिग्री। तो लड़का ये जो चला ये निकालना है, यानी ये वाला वैल्यू निकालना है। डबल ट्रेंगल का केवल क्वेश्चन है, ये पता है कि ये 1.5 है, ये टोटल देखिए 30 है, हमको मेन ये तो इस पर काम करना है। तो पहला काम 30 में 1.5 को घटा देंगे, ये देखिए आ जाएगा कितना 28.5। अब इसमें काम अगर करें तो ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक को हम एक्स ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक को वाई ले लेते हैं। तो हमको जो चाहिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखिए ये टोटल ले लिए वाई और ये हम लोग ले लिए एक्स, तो हमको चाहिए वाई माइनस एक्स। जो ये चला ये वाई था ये एक्स है, तो निकालना है वाई माइनस एक्स। इस ट्रेंगल में अगर चला जाए तो यहाँ से देखिए 1060 का मान बताइए रूट 3 हो जाता है, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं 28.5 और बटे में कितना है x। अब यहाँ से अगर x का मान लिखा जाए तो आ जाएगा 28.5 और बटे में कितना रूट 3। अब ये बड़ा वाला ट्रेंगल में चलेंगे तो यहाँ 30 है, तो 30 का मान 1/√3 होता है, और इसके लिए अगर लिखेंगे तो 28.5 परपेंडिकुलर का काम करेगा और बेस यहाँ देखिए हमारा y हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 28.5√3। अब हमको निकालना क्या है y माइनस एक्स, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 28.5 तो कॉमन ही हो जाएगा, यहाँ रूट 3 और माइनस आ जाएगा 1/√3, तो ये हो गया 28.5 इंटू में करें तो ये देखिए 3 में 1 2 हो जाएगा और बटे में हमारा यहाँ √3 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना है, 28 × 2 = 56 और 1 = 57/√3 हो जाएगा, और इसी को कैंसिल किया जाएगा तो देखिए कितना आ जाएगा 19√3। इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 19√3 और ये हमारे नंबर बी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। 65 के बाद अब अगर हम लोग बढ़ें तो 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 66 नंबर देखिए क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है वो देखिए कहता है कि दो रेखाएं 5x + 7y = 35। एक रेखा देखिए दे रहा है 5x + 7y = 35 और दूसरा रेखा दे रहा है 4x + 3y और बराबर में दे रहा है 12। और फिर हम लोगों को कहा गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, एक एक्स एक्सिस यूज किया गया है। इसके लिए देखिए एक्स एक्सिस अगर करते हैं हम लोग, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर आप लेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ वाई बराबर 0 रख लेते हैं, तो यहाँ से 5x = 35 लिख लेंगे, तो एक्स का मान यहाँ से देखिए 7 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ अगर वाई को 0 कर लेते हैं तो 4x = 12 हो जाएगा, और तब यहाँ से हम लोगों का जो मान एक्स का निकलेगा वो 3 निकल जाएगा। तो ये एरिया के लिए त्रिभुज का जो हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं, तो ये जो आपका एक्स का डिस्टेंस है दोनों के बीच का, यही ओरिजिनल में इसका डिफरेंस बेस का काम करेगा। तो फॉर्मूला तो ये जानते हैं 1/2 × आधार और गुना ऊंचाई, तो ये हम लोगों का बेस जो होगा इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस बताइए कितना हो जाएगा 4, तो ये ले लेना है 4 इंटू में करना है, मेन काम ऊंचाई का होगा। एक्स एक्सिस जब भी यूज करेंगे हम लोग तो एक्स से दूरी को हाइट कहते हैं, तो वो पॉइंट एक्स से कितना दूर है
और एक्स एक्सिस से जो दूरी होता है उसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी ये दोनों समीकरण के माध्यम से हमको वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से अगर देखें सॉल्व करें तो पहला से अगर हमको y कोऑर्डिनेट यानी y का मान चाहिए तो x का मान यहाँ से निकालें अगर, तो x बराबर देखिए क्या क्या लिखते हैं हम लोग, 35 और माइनस में कर लेते 7y और बटे में देखिए कर लेते 5। और यहाँ से अगर हम लोग x का मान लिखें तो इसमें x का मान अगर हम लोग देखिए लिखेंगे तो यहाँ से क्या क्या लिखेंगे, 12 माइनस में करेंगे 3y और बटे में देखिए कितना लिख लेंगे 4। तो ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, तो इसको बराबर कर लें और यहाँ से y का मान निकालें। ये देखिए 140 और माइनस ये हो जाएगा 28y बराबर में करेंगे 60 और माइनस में करेंगे 15y। इसको एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 13y और ये हो जाएगा 80। तो y बराबर आया 80/13 और यही आपका हाइट है। बस ये देखना है दोनों समीकरण से x एक्सिस यूज होगा तो y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, y एक्सिस यूज होगा x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यही देखिए यहाँ हाइट हो गया, इसको आप यहाँ रख लें और ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर देखिए हम लोगों को लिख लेना है 160 और बटे में 13। यही आंसर हम लोगों का 160/13 हो गया जो कि आपके विकल्प ए में है। तो 66 का जो आंसर बनाएंगे हम लोग वो लिखेंगे कितना, ए नंबर। इसके बाद अगर अब चला जाए तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 इज इक्वल टू देखिए दे रहा हम लोगों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आ जाए इसी को आप थोड़ा सा अगर दूसरे रूप में लिखें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इधर कर देंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी पे पावर 4 बराबर 0। इतना ही काम है, अब तो आंसर केवल लिखना है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए पे पावर 6 प्लस बी पे पावर 6 और इस 6 को अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर का क्यूब और यहाँ भी स्क्वायर का क्यूब। अब फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप जानते हैं, ये हो जाता है ए प्लस बी और इंटू में ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 4 होगा माइनस ए बी, तो देखिए ये चीज़ आ जाएगा फिर प्लस में बी पे पावर 4 हो जाएगा, इसका रिजल्ट आपको पता है 0। यहाँ वैल्यू देंगे तो इस टोटल का देखिए आंसर आ गया कितना, 0। और ये 0 आपके किस विकल्प में है, ए में, तो 67 का आंसर हो गया ए। 67 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो आगे अब बढ़ते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन पे। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि एक समबहुभुज के भुजाओं की संख्या का अनुपात है 1:2, यानी अगर पहला का आप ले लेंगे n भुजा है तो दूसरा में देखिए कितना हो जाएगा, 2n भुजा हो जाएगा। अब कहा गया है कि यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 20 डिग्री, तो प्रत्येक यहाँ भीतरी कोण 20 डिग्री है, अगर भुजा की संख्या n लेंगे तो प्रत्येक के लिए देखिए क्या होता है फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180 और बटे में हम लोग कर लेते हैं n, और ये रिजल्ट हम लोगों को दिया है 120। तो यहाँ से अगर काम करें 60 से देखिए ये 3 बार में, ये 2 बार में, तो 3n माइनस 6 बराबर में है 2n, यानी n का मान अगर निकालेंगे तब देखिए कितना आएगा 6, यानी पहला जो बहुभुज है उसका जो भुजा है वो कितना है 6। हमको पूछा जा रहा है कि दूसरे बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण कितना, तो दूसरे बहुभुज का अगर प्रत्येक कोण हम निकालें तो प्रत्येक कोण के लिए बताइए, यहाँ अगर 6 भुजा है तो पहले तो प्रत्येक कोण का फॉर्मूला यूज करेंगे, यह देखिए फिर से उसी को लिखेंगे, लेकिन n का मान यहाँ अगर 6 है तो दूसरे बहुभुज में भुजा का संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा 12। तो बोलें n के बदले जब 12 लेंगे, 12 में 2 घटेगा 10 हो जाएगा, गुना में 180 करेंगे बटे में 12 करेंगे, इसको देखिए हम लोग गुना करेंगे आंसर आएगा कितना 150 डिग्री। तो इसका आंसर लिखना होगा 150 डिग्री जो कि आपके विकल्प ए में है, तो आंसर हो गया हम लोगों का ए।
इसके बाद बढ़ा जाए 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है त्रिभुज एबीसी में दिया गया है ए बी बराबर 9, बी सी बराबर 6 और सी बराबर 7.5। फिर कहता है डी ई एफ भी दिया गया है, ई एफ बराबर 8। लास्ट में देखिए ये दे रहा है कि डी ई एफ और ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है, अगर वो सिमिलर ट्रायंगल है तो भुजा का रेशियो सेम होगा। आपको ज़रूरत है डी ई एफ के पैरीमीटर का, तो अगर भुजा का अनुपात अगर देखा जाए तो भुजा का जो अनुपात होगा वही अनुपात हो जाता है किसका, पैरीमीटर का। भुजा का अनुपात बराबर करेंगे परिमाप का अनुपात, ये देखना है। तो भुजा का अनुपात अगर हम पहला और दूसरा का देखें तो ये देखना है कि कौन कौन सा है। ट्रायंगल में ई एफ अगर देखें ए बी सी, ये आपका था एक ट्रायंगल था ए बी सी और दूसरा कौन है डी ई एफ, ऐसा दिया हुआ है। तो हमको जो माप दिया है ई एफ का माप देखिए इसमें दिया हुआ ई एफ का, तो इसका अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखा जाएगा तो यहाँ कौन होगा बी सी, तो बी सी और ई एफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो उसका रेशियो देखना है। तो बी सी देखिए हमारा है कितना 6 और बताएं ई एफ जो दिया है वो कितना 8। तो भुजा का रेशियो अगर 6:8 है इसी के बदले क्या लिखेंगे 3:4 लिखेंगे, तो यही हो गया देखिए किसका, पैरीमीटर का भी अनुपात। तो अब हम पुराना वाला एबीसी का अगर परिमाप देखें तो एबीसी का परिमाप के लिए तो उसका तीनों साइड देखिए हमको दिया हुआ था 9 है 6 है 7.5 है, 9 + 6 + 7.5 करेंगे 9 × 6 = 15, 15 में 7 को जोड़ेंगे यानी 22.5 था। तो अगर हम लोग डी ई एफ का अब पैरीमीटर निकालेंगे तो ये 22.5 को बांट लेना है 3 और 4 में, तो भाग देंगे 3 से और बोलिए इसके लिए गुना कितना से 4 से, 3 से कैंसिल अगर इसको किया जाए तो ये 7.5 और इसको अगर आप गुना करेंगे तो ये देखिए आएगा 30। तो आंसर हम लोग 30 लिखेंगे जो कि आपको किस ऑप्शन में है डी में। आ जाए 69 के बाद अब हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को फिर कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, इसमें पीक्यू एक रेखा है जो एबी को पी तथा एसी को क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि, ये देखिए यहाँ हम लोगों का एबीसी है, यहाँ हम लोगों का पी और क्यू है। फिर हम लोगों को दे रहा है एपी बराबर 1, पीबी बराबर 3, ये 1 है और यहाँ देखिए 3 है पीबी बराबर। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो BP दिया हुआ है AQ है 1.5 और QC है 4.5, यह 1.5 और यहाँ 4.5 APQ और चतुर्भुज PCQ के क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए। यह देखें इस दोनों का अगर हम रेशियो देखें AP और PB का और यहाँ अगर देखें AQ और QC का, तो ये दोनों देखिए आपस में बराबर है, ये भी 1:3 ये भी 1:3 यानी कितना हुआ 1:3। और अगर इसका भुजा सेम है यानी ये वाला और ये वाला जो होगा वो सिमिलर पैरेलल लाइन होगा, यानी यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि PQ और BC जो है वो कैसा लाइन, पैरेलल लाइन। और अगर ये पैरेलल लाइन है तो ए पी क्यू और ABC ये जो होगा वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसका अगर भुजा देखें तो 1 और इसका निकालेंगे तो ये 1 है ये 3 है यानी टोटल कितना 4। तो भुजा का अनुपात अगर देखा जाए तो क्या निकलेगा 1:4, तो एरिया का अनुपात अगर निकालते तो ये कितना होता है 1:16 स्क्वायर कर लेंगे, यानी ये छोटा वाला का एरिया अगर 1 होगा तो ये बड़ा वाला का 16 होगा। अब ये सोचें हमको ये चतुर्भुज का निकालना है और त्रिभुज APQ का निकालना है, तो अब अगर हम लोग चलें त्रिभुज APQ और चतुर्भुज PBCQ इसका क्षेत्रफल का अगर हम रेशियो देखें तो बोलिए छोटा वाला का कितना है 1, अच्छा त्रिभुज का निकालने के लिए टोटल में ये छोटा वाला त्रिभुज को घटा देंगे यानी ये 1 था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 16 - 1, इसी को आप 1/15 लिख लें, 1:15 लिख लें, जैसा भी लिखना चाहे, यहाँ आपको 1:15 लिखा हुआ है। तो आंसर हम लोगों का देखिए हो जाता है 1:15। आ जाए इसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग
71 से 75 तक जो है वो आपका एक वार डायग्राम दिया हुआ है, उसी पे आधारित क्वेश्चन देखना है। हम लोगों को मेन डाटा से यहाँ मतलब होगा। विद्यार्थी की संख्या देखिए 1000 में दे रहा है। पहला कहा वर्ष 2012 में सभी स्कूल मिलाकर औसत संख्या, तो 12 का अगर सब डाटा आप जोड़ें तो 12 में देखिए एक डाटा आपका है 3, एक डाटा है 3.5 और एक डाटा है 2.5। तो 3, 2.5 और 3.5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3, 6 और 3 और कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 और बटे में देखिए जोड़ना अगर है 71 में तो टोटल 9 है, भाग देंगे 3 से, डाटा जो भी था वो 1000 में था, तो बोलिए आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3000। 71 के बाद अगर 72 नंबर में चले हम लोग, कहता है वर्ष 2010 में स्कूल बी और सी में मिलकर विद्यार्थियों की संख्या, 13 में बी और सी में मिलकर विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट। तो 10 में अगर चलें तो बी और सी को अगर देखें तो एक है 2.5 और एक है 3, यानी टोटल संख्या बी और सी का कितना हुआ, 5.5 10 में। 13 में अगर चलिए तो 13 में बी और सी को अगर जोड़िएगा तो 3.5 है और 3 है, यानी एक जोड़ने पर देखिए कितना आएगा, 6.5। अब हम लोगों को निकालना है कि 10 वाला जो था 13 वाले का लगभग क्या परसेंट था, यानी ये जो 5.5 है और यहाँ देखिए 6.5 लिखेंगे इंटू में 100 कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट तो देखिए गायब ही हो जाएगा, ये करेंगे तो 11 और यहाँ 13 हो जाएगा, यानी आंसर आया 1100 बटे 13 परसेंट वैल्यू। भाग अगर लगाएंगे तो पहले देखिए 8 बार में 104 हो जाएगा, 60 आ जाएगा, तो 13 5 65 अप्रॉक्स में लिखा जाए तो 65 लिख लेंगे, ऐसे तो ये 84 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको अप्रॉक्स में पूछा ही गया है तो आंसर लिखेंगे 85%, जो कि विकल्प डी में मौजूद है। इसके बाद अगर अब हम लोग चलें 72 के बाद, तो अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है सभी वर्षों में मिलकर स्कूल ए में विद्यार्थियों की लगभग औसत संख्या, तो एक का सारा डाटा पहला वाला जोड़िए, पहले देखिए एक है, फिर देखिए दो है, तो एक और दो को जोड़ें तो 3 हो जाएगा, फिर देखिए 1.5 है तो 4.5 हो जाएगा, फिर 4.5 में 2.5 को जोड़ लेंगे तो आपको 7 आ जाएगा, फिर 7 में आप 3 को जोड़ लेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 में फिर आपको 2.5 जोड़ लेना है, तो 10 में 2.5 अगर जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाएगा। तो ये देखिए लिखे 12.5, 1000 है तो गुणा में 1000 तो लिखाएगा ही। उसके बाद देखिए हम लोगों को फिर दे रहा है औसत संख्या के लिए, देख लें गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाटा आप जोड़े तो ये बटे में 6 हो गया, और गुना 1000 कर लिए टोटल संख्या के लिए, तो ये 12,500 हो गया बटे में 6 हो गया, भाग लगाएंगे 2 बार में, फिर देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 50 है तो 8 से 48 8 हो जाएगा, फिर 2 और 0 बचेगा तो 20 हो जाएगा, फिर अगर भाग इसमें लगाएंगे तो कितना बार में, 3 बार में लगाएंगे, पॉइंट समथिंग आएगा। अब देख लें यहाँ आपको उसके नज़दीक का नियरेस्ट नंबर कौन दिया हुआ है, तो उसका नियरेस्ट नंबर अगर देखा जाए तो औसत संख्या 2080 और एक है 2090। दोनों डाटा में देखिए बहुत ही क्लोज जो है, तो वहाँ थोड़ा सा एक बार अपना आंसर देख लें, 1 को जोड़े थे, फिर 2 को जोड़े थे 3, और फिर 3 में 1.5 जोड़े थे तो 4.5 हुआ था, 4.5 में जब आप जोड़े थे आंसर तो यही 2083.33 ही आ रहा है, डाटा तो सही है आपका। आंसर इसमें अगर देखा जाए लगभग कहा गया है, तो लगभग में अगर देखा जाए इसका नियरेस्ट कौन होगा, 2080, तो 2080 लिखेंगे, 2090 उससे दूर है, अप्रॉक्स में नियरेस्ट वाले को लिया जाता है, तो इसका 2080 आंसर अगर देखा जाए तो ये हम लोगों को दिया हुआ है विकल्प सी में, तो आंसर हम लोग लिखेंगे सी। 73 के बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 74 नंबर में। कहता है दिए गए वर्षों में तीनों स्कूल एबीसी में मिलकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी बार समान थी, तो कितनी बार समान कहा गया है ये निकालना है दिए गए वर्षों में तीनों स्कूलों एबीसी। तो डाटा जोड़ के देख लें, जैसे पहला साल अगर ये समान भी होगा तो उधर वाला 13, 14, 11, 12, 13, 10 ये सबको केवल जोड़ें, 10 भी तो कमी आ रहा है, पहले 11, 12, 13 का अगर देख लेते हैं
13 में अगर जाएंगे तो देखिए 3.5 है और एक डाटा 3 है और एक 2.5, तो 2.5 3.5 है और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 12 में भी अगर देखा जाए तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद 11 में भी देखा जाए तो 9 हो जाएगा। यानी हम लोग अगर गौर से देखें तो आपका 11, 12 और 13, 2011, 2012 और 2013 का अगर आप सम करते हैं तो हर एक बार आपको 9 आ जाता है। 9 आने का मतलब 9,000। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे कितनी बार कहा है, तो आंसर में क्या लिखा आएगा, 3 बार। 3 बार कौन कौन सा ईस्वी में, 2011, 2012 और 2013, तीनों में तीनों मिला के इक्वल आ जाता है टोटल। आगे बढ़ा जाए, कहता है 9 में सभी स्कूल में मिलाकर विद्यार्थी की कुल संख्या और वर्ष 11 में कुल में स्कूल बी में विद्यार्थी की संख्या के बीच का अंतर। 9 का अगर देखा जाए टोटल, तो 9 में अगर आप जोड़ते हैं तो एक देखिए 2 है और एक देखिए आपका 2.5 है यानी 4.5 हो गया, और एक है यानी 5.5 हो गया। तो 9 का अगर टोटल किया जाए तो ये 5.5 आ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए स्कूल बी में विद्यार्थी की संख्या 11 में देखना है, 11 में अगर देखेंगे स्कूल बी तो वो आपका देखिए 3 आ जाता है। तो इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, 1,000 से अगर गुना कर देंगे तो यही हमारा 2,500 हो जाएगा। और ये आंसर हम लोगों को देखिए विकल्प सी में दिया हुआ है, 70C का आंसर हो गया, 75 का आंसर हो गया हम लोगों का सी। इस रूप से हम लोगों का काम अब समाप्त तो हो गया आज का। हम लोग फिर अगले सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस इसी रूप से अपना जारी रखें, करते रहें, और हम लोग बारी बारी से सारे सेट में मिलते हैं। धन्यवाद।